हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं NTPC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं कि NTPC का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2016 में। तो जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जितना भी डेट को, वो सारा मैं पार्ट वन पार्ट टू करके सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का मैथ का बता दूंगा। साथ में मैं रीजनिंग का भी बता दूंगा और जो भी GK GS आया था उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि NTPC में क्या करता है रेलवे, जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है मैथ में उसी टाइप का क्वेश्चंस हर बार दोहराता है, उसी टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस अगर इस बार जो NTPC का एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा तो आप उसको ईजिली वे में बना लीजिएगा। और उसको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में बताना है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटे, कोई भी टाइप का क्वेश्चंस आए वो आपसे नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए NTPC का क्वेश्चंस है मैथ का, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मैथ का, वो हुआ था 2/4/2016 को, शिफ्ट वन था। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं मैथ का। फर्स्ट क्वेश्चंस है, देखिए लिखा है एक 20 मीटर लंबी एक सीधी खड़ी दीवार पर टिकी है। देखिए क्या लिखा है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। ठीक है, फिर कह रहा है ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या पूछ रहा है कि दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितना होगी, यानी कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितना होगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ऑप्शंस कौन कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 मीटर, दूसरा है 17.32 मीटर, तीसरा है 34.64 मीटर और चौथा है 30 मीटर। देखिए क्या बोला गया कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक खड़ी दीवार पर टिकी है। मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है, और इससे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये जो है ये सीढ़ी है, ठीक है, और यह जमीन के साथ, ये जो सीढ़ी है ये जमीन के साथ, ये जमीन है इतना, जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितना होगी, और ये सीढ़ी कितना था, 20 मीटर लंबी था, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो पूछ रहा है ये दीवार से सीढ़ी का जो पैर है ये वाला, ये कितना डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये लेंगे, ये है बी और ये है पी, ये है एच, आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या करते हैं हम एक्स, यानी कि हम लेंगे एक्स बाय एच, यानी कि बी, ये समझ लीजिए बी बाय एच, यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना हो जाएगा, ये एक्स बाय 20, कॉस 60 कितना देता है, तो हम जानते हैं कॉस 60 कितना देता है, 1/2 एक्स बाय 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा ये 10, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है तीन संख्या जिसका जो अनुपात है वो है 4:5:7 में, तीन संख्या था जिसका अनुपात 4:5:7 में है, ठीक है, और तीनों संख्या का योग जो है तीनों संख्या का वो है 320।
तो कह रहा इनमें सबसे छोटी, सबसे छोटी ठीक है, और सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी का जो योगफल है वो कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन है देख लीजिए, 140, दूसरा है 220, तीसरा है 240, चौथा है 180। समझ गए क्या था ये लिखा, यदि तीन संख्या 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तीनों का जो रेशियो है ये इतना है ठीक है, और ये तीनों का सम दिया हुआ है 320, तो हम क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 7, 16, यानी कि 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो है इसका सम और ये भी है सम यानी कि योग, तो 320 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 16 से कट जाएगा 20, एक का वैल्यू होगा 20। तो पूछा है छोटी, छोटी कौन सा, यहाँ देखिए सबसे छोटी है 4, प्लस बड़ी कौन सा है, बड़ी है 7, सबसे बड़ी तो 7, कितना हो जाएगा 7×4 11, यानी कि एक का वैल्यू 20, तो 11 का कितना, तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 20×11 220 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, क्या करता है, ए बी एक काम को दोनों मिलकर 40 दिन में करता है, उनके काम करने की दर यानी कि दोनों का जो दर है वो कितना है, 8:5। तो क्या कर रहा है कि ए उसी काम को, ए जो है उसी काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, समझिए ए बी दोनों मिलकर एक काम को 40 दिन में करता है और दोनों का जो रेशियो है ये दिया है, इसका मतलब समझ लीजिएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा बना दीजिएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेशियो दिया है दोनों के काम करने का अनुपात है ये, इसका मतलब हुआ कि ए जो है एक दिन में 8 वर्क करता है, ए एक दिन में 8 वर्क करता है, और जबकि बी एक दिन में 5 वर्क करता है। ठीक है, अब समझिए कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में समाप्त किया, 40 दिन में, तो समझिए थोड़ा सा, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में करता है 8 काम, बी करता है एक दिन में 5 काम, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 8×4=13 वर्क हो जाएगा, यानी कि ए बी अगर एक दिन साथ मिलकर काम करता है तो 13 वर्क करेगा, तो वो कितना दिन तक कर रहा है एक काम, कंप्लीट काम 40 दिन में, तो ए प्लस बी 40 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 13, तो 40 दिन में 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, इतना वर्क हो जाएगा, इतना वर्क हो जाएगा। ठीक है, 520 वर्क करेगा 40 दिन में, तो इसी काम को, यही बोला गया कि इसी काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला इसी काम को 520 वर्क को अकेला कितने दिन में करेगा, तो समझिए ए अकेला एक दिन में, ए जो है एक दिन में अकेला करता है 8 वर्क, तो 520 वर्क कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे 520 से 8 को डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शंस पहले यहाँ लिख देते हैं, एक है 65 डेज, ठीक है, दूसरा है 40 दिन, तीसरा है 72 दिन, और चौथा है 104 दिन। देखिए तो यहाँ 520/8 करेंगे कितना हो जाएगा, 6×48 बचेगा 4, 8×5=40, यानी कि कितना हो जाएगा 65 दिन जो है
ए लगाएगा 520 वर्क करने में, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दिया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, देखिए ये समकोण त्रिभुज होता है जैसा कि आप जानते हैं, ये 90 डिग्री एंगल। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है 30 मीटर स्क्वायर, और उसका जो ऊंचाई है, उसका जो ऊंचाई है ये आधार से 7 मीटर अधिक है। मतलब अगर आधार x है तो ऊंचाई इससे 7 मीटर अधिक है, x प्लस 7 हो जाएगा। तो क्या बोलेगा, उसका आधार ज्ञात कीजिए, यानी x कितना है, आधार कितना है, x इक्वल टू कितना होगा। देखिए ऑप्शंस कौन कौन है, ऑप्शंस है 5 मीटर, दूसरा है 12 मीटर, तीसरा है 7 मीटर और चौथा है 9 मीटर। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका ये एरिया दिया है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि x प्लस 7, और ये एरिया कितना है 30, ठीक है, और ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 7 कितना हो जाएगा 2 × 30 60, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए अगर हम x का वैल्यू 5 रखते हैं तो ये क्या 60 देता है, देखते हैं रख के, 5 और x प्लस 5 यानी कि 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 5 × 12 हो जाएगा ना, तो 12 × 5 60 होता है क्या, 60 बिल्कुल होता है, तो बस ये ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे, उसके बाद हमको आगे भी नहीं देखना है। 60 हो गया x का वैल्यू 5 रखने पर, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा आंसर मेरा, 5 मीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मतलब कितना कितना शॉर्ट हम बना सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखिएगा, जितना भी क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा कितना उसमें शॉर्ट हम जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, देखिए नेक्स्ट है, देखिए तीन, देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि दी गई संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, समझिए ए दिया है 13/21 लेस देन 15/7 97 लेस देन 52/94 लेस देन 36/79, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा भी देख लेते क्या है, 36/79 चौथा देख लेते हैं क्या है, 36/79 52/94 57/97 और 13/21 कह रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, देखिए ये ऑप्शन हम लेते हैं, अब देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके बाद में हम अरेंज कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन ऑप्शंस में है। देखिए हम लेते हैं 13/21 57/97 52/94 और 36/79 ये हम लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ लिखते हैं, ये 13 हम लिखेंगे, जो ट्रिक है हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, 13 लिखेंगे और नीचे है 21, 21 में 13 माइनस कर देंगे, यानी कि नीचे वाला में ऊपर वाला माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 में 13 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए 57 लिखेंगे, 97 में 57 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 52/94 52 लिख देंगे और 94 में 52 माइनस कर देंगे तो 94 में 52 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 42। उसी तरह 36 लिख देंगे और 79 में 36 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 ये हो जाएगा। अब समझिए थोड़ा,
देखिए अब थोड़ा डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 8 वन जा, यानी कि ये कुछ वन जा आएगा, ठीक है, और यहाँ कितना, यहाँ फिर थोड़ा देख लेते हैं, 8 वन जा और बचेगा कितना, 5 पॉइंट से आ जाएगा 50 और 6 आ जाएगा, अच्छा 48, 1.6 आएगा ये वाला। अब इसमें देख लेते हैं 41 जा, बचेगा कितना इधर, 57 में 40 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 17, ठीक है, तो 17 और पॉइंट्स देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 40 से 170 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कि 160 लगभग आएगा। इसमें देखेंगे 1 से करेंगे तो 42, तो बचेगा कितना, 10 पॉइंट देंगे तो और 0 आ जाएगा, 42 जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 84 आ जाएगा, यानी कि 1.2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 36 और 43, ये जो भी आएगा 0 पॉइंट आएगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे बड़ा है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 0 पॉइंट वाला जो भी आएगा ये है, तो हम उतना डिवाइड करके नहीं देखेंगे, बस हमको क्या करना है आंसर तक पहुँचना है, तो 36 by 43 लग दिए। उसके बाद छोटा कौन है, तो 1.2 छोटा होगा, तो उसके बाद ये वाला लिखेंगे, ये वाला यानी कि यहाँ समझिए जैसे 36 इसका था 79, ये जो था ये है 79 लिख दिए। अब 1.2 यानी कि ये है, ये लिखेंगे 52 by 94, ठीक है। उसके बाद छोटा है 1.4 यानी कि 57 by 97, उसके बाद छोटा है 1.6 यानी कि ये सबसे बड़ा है 13 by 21, तो ये वाला जहाँ भी होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 36, 79, 52, 94, 57, 97, 13 by 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इसको हमको बनाना है, तो प्रैक्टिस जितना भी रहेगा उतना फास्टली आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये क्या लिखा है, एक मिनट देखिए लिखा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, यहां देखिए लिखा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, ठीक है, कह रहा उन संख्याओं का अनुपात जो है, उन संख्याओं का अनुपात अनुपात जो है वो है 7:2, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो क्या कर रहा है 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। देखिए ऑप्शंस कौन कौन है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है 1600, दूसरा है 1200, तीसरा है 1400 और चौथा है 1800, तो कौन सा होगा। देखिए क्या बोला गया कि दो धनात्मक संख्या है, दोनों का अंतर है 50 और उनका जो अनुपात है, वो जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 7:2, ठीक है, और दोनों का अंतर यानी कि ये जो संख्या और ये संख्या दोनों का अंतर यानी कि 7-2 कितना है 50, यानी कि 5 है 50 के इक्वल, तो एक कितना के इक्वल, एक होगा 10 के इक्वल, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, समझिएगा, एक है 10 के इक्वल और एक है 7, दूसरा है 2, तो 7 कितना हो जाएगा, 70, यानी कि एक संख्या जो 7 अनुपात में था वो 70, दूसरा 2 अनुपात में कितना हो जाएगा, एक है 10, 2 हो जाएगा 20, यानी कि दूसरा संख्या जो 2 के अनुपात में था वो 20 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 70 × 20 1400 आंसर आएगा, 1400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इसको शॉर्ट में बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए क्या है कि दिया है अर्धवार्षिक रूप से अर्धवार्षिक, ये देखिए लिख देते हैं अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट से 80,000
रुपये जो है, रुपये के दो वर्ष में 20% की वार्षिक दर से कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन कौन देख लेते हैं, 97240 इतना रुपये, ठीक है। दूसरा है बी 117128 रुपया, तीसरा है 115200 रुपया, और चौथा है 120000 रुपया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बोला गया कि अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो समझ लीजिए, अगर अर्धवार्षिक आता है तो ये मतलब कि इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो दर है, ठीक है, कितना है 20% वार्षिक दर है, यहाँ है अर्धवार्षिक, तो इसका आधा हो जाता है, अर्धवार्षिक है और यहाँ वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा अर्धवार्षिक, ठीक है। यानी कि अर्धवार्षिक जब भी लिखा रहे तो आप दर को जो है रेट को आधा कर दीजिए, यानी कि रेट कितना हो गया 10%। दूसरा टाइम है दो वर्ष, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। अब यहाँ है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक जब भी आए तो टाइम को क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टाइम जो है 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो अब पूछा गया कि 80,000 20% यानी कि अर्धवार्षिक की दर से 2 वर्ष 20% की वार्षिक दर से कितना हो जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे, समझिए इसका जो ट्रिक है वो समझिए। मान लेते हैं कोई जो अमाउंट था यानी कि मूलधन 100, दर कितना है 10%, 100 हो जाएगा कितना, एक वर्ष में 110 हो जाएगा। उसी टाइप से फिर 110 वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा। हमको जाना है 4 तक, 4 है अर्धवार्षिक, ये पहला अर्धवार्षिक, दूसरा अर्धवार्षिक, फिर 100 कितना हो जाएगा 110, फिर 100 कितना हो जाएगा 110, 4 हो गया, 1 2 3 4, यानी टाइम हो गया 4, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए कौन कौन कट रहा है, ये कटेगा 1010, इस टाइप से कटा देना है अगल बगल, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ये सब को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 10 10 मल्टीप्लाई करेंगे चारों 10 को, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, ये 11 × 11 कितना हो जाएगा 121, और 11 × 11 121, 121 × 121 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 14641। तो समझिए ये जो आया 10,000 रुपया कितना हो जाता है 14641, कितना हो जाता है, यानी कि 10,000 रुपया जब मूलधन है तो उसका जो अमाउंट बनता है वो हो जाता है 14641, मिश्रधन कितना हो जाता है 14641। तो यहाँ है 80,000, यहाँ 10,000 इतना हो जाता है, तो 80,000 कितना हो जाएगा, समझिए यहाँ 10 को कितना से मल्टीप्लाई किए, 8 से मल्टीप्लाई किए तब 80 आया, उसी तरह यहाँ भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो आएगा 80,000, कितना हो जाता है इस रेट से, टाइम और इस रेट से, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, कितना हो जाएगा 8 1 8, कितना हो जाएगा 117128, कहीं है 117128, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इसको बनाएंगे, जितना आप फास्टली कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, मतलब मान लेते पिता की बात किया जा रहा है और एक बेटे की, क्या कर रहा है कि पिता जो है अपने पुत्र से
यानी कि बेटे से 26 वर्ष बड़ा है। अगर इसका बेटे का उम्र जो है एक्स है तो इसका हो जाएगा 26 वर्ष बड़ा, यानी कि एक्स प्लस 26 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, और ये जो एज क्या है इतना है प्रेजेंट में अभी, फिर क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये भी 3 साल बढ़ जाएगा और ये भी 3 साल बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 26 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 29, और एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 प्लस कर देंगे। 3 वर्ष बाद क्या होता है कि पिता जो है पुत्र का 3 गुना हो जाता है, यानी कि पुत्र का 3 गुना, पुत्र को अगर 3 गुना कर दिए तो 3 वर्ष बाद जो पिता का आयु बना वो उतना हो जाएगा, पुत्र के 3 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, पुत्र के एज को 3 से मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स प्लस 29 इक्वल टू 3x+9। देखिए एक्स उधर लेते जाएंगे कितना हो जाएगा 2x, और 9 इधर लेते जाएंगे 29 में 9 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, यानी कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10, ये कट जाएगा 10, तो एक्स का 10। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 है यानी कि 10+26 यानी कि 36 हो जाएगा, तो आंसर इसका 36 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 का माध्यिका कितना होगा। माध्यिका अगर आपने माध्य माध्यिका पढ़ा है तो आप इसको इजीली वे में बना दीजिएगा। ठीक है, अच्छा माध्यिका का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है माध्य माध्यिका बहुलक का, क्योंकि माध्य माध्यिका बहुलक जो है रेलवे के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए इसका निकालना है माध्य का, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है, एक है 25, दूसरा है 26, तीसरा है 29 और चौथा है 31, ये है 25, 23, 26, 29, 31, 39, 11 का हमको माध्य का निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं, नंबर हम देखते हैं कितना ये डिजिट है, हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट है, यानी कि 7 क्या होता है, विषम। ठीक है, 7 डिजिट है, तो क्या बोला गया कि इसका माध्य का कितना होगा। देखिए जब डिजिट 7 आए तो कैसे निकालते हैं समझिएगा, जब डिजिट 7 आए तो हम क्या करते हैं, 7+1/2 ये करते हैं, वह पद ये मैंने बताया वीडियो में, वहां आप जाइएगा तो अच्छी तरह से समझ जाइएगा। जब विषम आए तो उसमें +1 करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, वो जितना आता है उतना पद, उतना वह पद जो है माध्यिका होगा, तो 7 1 कितना 8/2 यानी कि 4वां पद, चौथा पद जो है माध्यिका होगा। पहले इसको क्या कीजिए, आप इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, तो यहाँ देखिए पहले सबसे छोटा क्या है 11, दूसरा क्या है 11 के बाद आ जाएगा आपका 23, ठीक है 23, उसके बाद आ जाएगा 25, उसके बाद आ जाएगा 26, उसके बाद 29, उसके बाद 31, फिर 39। तो देखिए चौथा पद शुरू से देख लीजिए, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये जो है 26 हमारा माध्यिका होगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो उसमें मैंने ये भी बताया कि विषम आए और सम आए तो किस टाइप से निकालेंगे, तो आप वो वीडियो जाके जरूर से जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपका माध्य माध्यिका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एक निश्चित धनराशि, मैं लिख देता हूं, लिखा है एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, छह वर्षों के लिए निवेश किया गया, 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया बोला, यदि
यह 3% अधिक दर से निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होता तो मूलधन कितना है, ये पूछ रहा है, मूलधन कितना है। ऑप्शन देख लेते कौन कौन है। ऑप्शन है फर्स्ट 3500, ठीक है, दूसरा है 4000, तीसरा है 4500 और चौथा है 5000। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, कि एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, यदि यह 3% अधिक दर से निवेश करता, समझिए क्या बोला गया, यदि दर जो है 3% अधिक होता, 3% दर अधिक होता, पहले कुछ भी रेट रहा हो, मान लेते 8%, उससे 3% अधिक, यानी कि R+3 रहता, तो 3% अधिक कितने साल के लिए रहता, तो कितने साल के लिए निवेश किया गया, 6 साल के लिए, तो 6 साल के लिए टोटल कितना हो जाएगा, एक साल के लिए 3%, तो 6 साल के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18%, यानी कि अगर 3% अधिक दर से निवेश की गई होती 6 साल के लिए, तो हमको 18% अधिक मिलता, ठीक है, 18% अधिक मिलता साधारण ब्याज। तो यहाँ देखिए, यहाँ 18% अधिक मिल रहा है और यहाँ कितना मिल रहा है, 900 अधिक, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि 18% ही 900 के बराबर है, यहाँ है 18% अधिक परसेंट में और यहाँ है 900 रुपया रुपया में, तो ये जो परसेंट है 18% 900 के बराबर हो जाएगा, यहाँ 18% अधिक और यहाँ 900 रुपया अधिक, तो 18% इक्वल टू 900, तो 1% कितना हो जाएगा, 900 भागा 18 यानी कि 50। तो हमसे पूछा गया, तो क्या पूछा गया, मूलधन, मूलधन हमेशा जो है 100% होता है, याद रखिएगा, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 1% 50, तो 100% कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, तो 50 × 100 कर देंगे, यानी कि 5000 हो जाएगा, तो मूलधन कितना था, 5000, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इसको बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्या था क्वेश्चन, लिखा है 2/5 + 2/9 डिवाइड है 2/5 + 5/9, ये कितना होगा, ये दिया था। ऑप्शन कौन कौन है देख लीजिए, एक है 28/45, दूसरा है 28/43, तीसरा है 27/34 और चौथा है 7/17। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, ये सब आप कर दे जानते हैं, ईजी कर दीजिए तुरंत, 5 से 10 बाय, नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 45, 9 से 18 और 5 से 25, 45 कैंसिल, बचेगा कितना, 18 + 10 18 + 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, 28/43 का, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, देखिए फिर क्वेश्चन जो है वो है वर्क एंड टाइम का, क्या दिया है, लिखा है पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, यानी कि पी और क्यू का जो कार्य क्षमता है वो है 2:1। क्या बोला गया, पी जो है क्यू से कार्य करने में दोगुना, तो क्यू का अगर 1 लिए तो पी का कितना लिए, 2, दोगुना है सक्षम है, दोनों एक साथ मिलकर, यानी कि पी क्यू एक साथ मिलकर एक
काम को कितने दिन में करता है? 22 दिन में। जैसे मैंने पहले बताया सेम टू सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का लग रहा है, ठीक है। कह रहा है क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्यू जो है अकेला इस काम को, एक काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में। तो समझिए, ये मैंने बताया कि पी प्लस क्यू टू रेशियो वन है, ये क्षमता है इसका, क्षमता, ठीक है, कितना सक्षम है, ये क्षमता है। मैंने बताया क्या होता है, देखिए ये जो P का दो दिया, इसका मतलब है P जो है एक दिन में दो वर्क करता है। उसी टाइप से Q जो है एक दिन में एक वर्क करता है। तो समझिए, तो दोनों मिलकर P प्लस Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, P एक दिन में दो काम, Q एक दिन में एक काम, तो टोटल कितना हो जाएगा, तीन काम, तीन वर्क करेगा दोनों मिलकर एक दिन में। और दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 22 दिन में। तो देख लेते हैं 22 दिन में कितना काम करता है दोनों मिलकर, तो एक दिन में तीन, तो 22 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 वर्क हो जाएगा। यानी कि P प्लस Q 22 दिन में जो एक कंप्लीट काम करता है, एक कंप्लीट वर्क करता है, वो 66 वर्क है टोटल, ठीक है। तो Q जो है इस 66 वर्क को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो Q एक दिन में कितना करता है, Q एक दिन में करता है एक काम। तो Q जो है, देखिए Q एक दिन में करता है एक काम, एक वर्क, तो Q 66 काम कितने दिन में करेगा। तो समझिए एक काम एक दिन में, तो 66 काम 66 दिन में, कितना आंसर, इजी था, 66 दिन इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है एक दो अंकों की संख्या संख्या अपने अंकों के योग की चार गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी। तो अब वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या क्या है, तो दो अंकों की संख्या क्या है, देखिए ऑप्शन कौन कौन है। ऑप्शन है फर्स्ट 24, दूसरा है 12, तीसरा है 48 और चौथा है 36। तो क्या बोला गया, समझिए इसको ऑप्शन से ही करने का कोशिश कीजिए, इजी वे में बन जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बोला गया कि दो अंकों की संख्या है अपने अंकों के योग का 4 गुना है। मतलब जब इसका प्लस करते हैं, जैसे देखिए 4 2 कितना हो जाएगा 6, इसको अगर 4 करते हैं तो क्या ये 24 आता है, बिल्कुल 6 4 24 आता है। इसी टाइप से ये भी आएगा 2 1 3 और इसको 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सब उसी टाइप में है, 8 4 12 गुना 4 बच्चों के 48 और 6 3 9 गुना 4 36। ये हो गया फर्स्ट, सही है चारों, फर्स्ट जो लिखा है उसके हिसाब से चारों सही है। फिर बोला गया यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, जैसे संख्या कितना है 24 24 में अगर 27 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, वह अपने अंकों के योग का 7 गुना हो जाएगा। ये जो आएगा अपने अंकों के योग का, यानी कि 4 2 6 का 7 गुना हो जाएगा। तो ये है क्या 7 गुना, 6 7 42 51 आया। ऐसे भी समझिए क्या बोला गया कि ये जो आएगा 27 जोड़ने पर इसमें 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 वो जो है 7 गुना होगा। मतलब कि ऐसा समझिए ये जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो बस इसी तरह हम देखेंगे, 51 7 से डिवाइड है पूरी तरह नहीं है। 12 में अगर हम 27 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, क्या 7 से डिवाइड है, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 48 में अगर हम 27 प्लस करते कितना आएगा,
75 सात से डिवाइड है, नहीं है पूरी तरह। 36 में अगर 27 प्लस करते कितना आएगा, सात से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, 9 से पूरी तरह से कट जाते, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 36 मार्क कर दीजिए डायरेक्ट। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखें क्या है, 14 नंबर क्या लिखा है, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाता है। मान लेते ये शहर एक्स है और ये शहर वाई है, इधर से इधर जब जाता है तो धारा के विरुद्ध है, यानी कि धारा जो है, धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये समझिए धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है पानी की धारा, और नाव इस डायरेक्शन में जाता है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो धारा के विरुद्ध, और जब वाई से एक्स आएगा तो धारा के साथ आएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि पानी में नाव की चाल जो है वो 40 किलोमीटर है, नाव की जो चाल है, जो नाव की चाल है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये जो धारा की चाल है ये कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो समझिए थोड़ा सा, जब धारा के विपरीत जाएगा, इधर से जाएगा और इधर से धारा आ जाएगा, तो धारा क्या करेगा, 10 किलोमीटर पर आवर से इसको इधर ढकेलेगा इस डायरेक्शन में, और नाव इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर नाव की चाल घट जाएगा, क्योंकि धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर की तरफ से इधर ढकेलना चाहेगा और नाव जा रहा है इधर, तो 40 में 10 घट जाएगा, यानी कि 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, जब इधर से इधर जाएगा तो इसका चाल कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये धारा के इधर आएगा, धारा के साथ, यानी कि धारा भी इधर बढ़ रहा है और नाव भी जो है इधर ही आएगा, ठीक है, नाव भी क्या आएगा, इधर ही आएगा, तो क्या होगा, धारा भी अपना चाल 10 किलोमीटर पर आवर से इसको ढकेलेगा, और ये भी अपना चाल से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, धारा इस चाल को और अधिक कर देगा, कितना से, 10 से, तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो समझिए क्या बोला गया, तो इसका औसत गति कितना है, औसत चाल कितना, यानी कि गति कितना पूछ रहा है, देखिए औसत गति कितना होगा नाव का, ऑप्शन कौन कौन है देख लेते हैं, ऑप्शन है 36.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 34.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या क्या है, तीसरा है 37.5 किलोमीटर पर आवर, और चौथा है 33 किलोमीटर पर आवर। तो औसत गति हम कैसे निकालते हैं, जब दो गति दिया हो तो औसत गति हम कैसे निकालेंगे, समझिए दो गति दिया है, एक है 30 एक है 50, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है 2 × दोनों गति का मल्टीपल, यानी एक 30 × 50 बाय दोनों गति का सम, यानी कि 30 + 50, तो ये जो निकलेगा औसत गति निकलेगा, ये औसत गति का फॉर्मूला है जब दो गति दिया हो, ठीक है, औसत गति तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 30 × 50 यहाँ कितना आ जाएगा, 80, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, 2 से 4 जाए, और ये 2 हो जाएगा, और 25 by 2 कितना हो जाएगा, 25 by 2 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 12.1 मिनट, देखिए (2×30×50+30+50) तो ये कितना, 2×30×50/80, ठीक है, 2 0 से 0 कर दिया, 2 से 4, ठीक है, और ये 2 times यहाँ 25 × 3 भी तो होगा, 75 होगा ना, 75, तो ये कितना हो जाएगा, 75/2, यहाँ देखिए 75/2 कितना आ जाएगा, 3×2 = 6, 7, और 37.5 आ जाएगा ये किलोमीटर पर आवर, कहीं है ऑप्शन में देखिए 37.5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, तो इस टाइप से इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्या लिखा है कि पी पहले एक घंटा में 50 किलोमीटर प्रति गति से चलता है। पी जो है पहले एक घंटा में, एक घंटा में पी जो है पहले एक घंटा में, पी पहले एक घंटा में कितना चलता है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक घंटा में 50 किलोमीटर पर आवर चलता है। फिर लिखा है पी जो अगले दो घंटा में, अगले दो घंटा में कितना चलता है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो बोला गया कि पी का औसत गति कितना है, पी का औसत गति कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे समझिए, ऑप्शन देख लेते। कौन है, ए है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 63.33 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 59.33 किलोमीटर पर आवर और चौथा है 62 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए औसत गति जब बोला जाए, देखिए ऊपर भी औसत गति का क्वेश्चन था लेकिन उसमें दो चाल दिया हुआ था, तो उस टाइप से हम निकालेंगे 2 × दोनों चाल का मल्टीपल बाय दोनों चाल का सम। लेकिन यहाँ पे दो चाल नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए एक टाइम दिया है और एक इसका मतलब कि ये दिया है, गति दिया है। तो क्या करेंगे, इस टाइप से निकाला जाए तो क्या होता है औसत गति, देखिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। तो क्या करेंगे समझिए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, समझिए एक घंटा में चलता है 50 किलोमीटर पर आवर, तो कितना दूरी तय करेगा, तो 50 से एक को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टाइम इंटू ये चाल होता है, ठीक है वेलोसिटी, तो 50 × 1 एक ये होगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पहले एक घंटा में, दूसरा करेगा 2 × 70 इतना, प्लस टाइम कितना है, टाइम है 1 और 2 यानी कि 1 + 2, यानी कि पहला करेगा 50 किलोमीटर तय करेगा, फिर दूसरा करेगा 140 किलोमीटर, फिर कितना टाइम 3 आवर लेगा, तो कितना हो जाएगा 140 + 50 190/3, इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, बचेगा 1 × 3 = 9 फिर 3, इतना किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए देखिए 16 नंबर क्या है, लिखा है पी एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदता है। पी जो है किसी वस्तु को 1200 में क्या करता है, खरीदता है ठीक है, फिर क्या करता है और इसे 10% में बेच देता है, 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, बेच दिया, क्या रहा, यदि वह 1380 रुपया में बेची गई होती है, अगर यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो क्या होता, तो लाभ में कितना परसेंट वृद्धि होता, ये पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट कितना बढ़ जाता, ये पूछा गया। ऑप्शन कौन कौन है समझिए, 5%, दूसरा है 10%, तीसरा है 12% और चौथा है 15%। समझिए क्या बोला गया, पी एक वस्तु को 1200 में खरीदता है और 10% के लाभ पर बेच देता है। तो समझिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे, आपको ट्रिक से बताते हैं कि पी जो है 1200 में खरीदता है, तो 1200 में इस टाइप का एरो दे देंगे, इसका मतलब वो क्या हुआ, खरीदना, 1200 में खरीद लिया, फिर उसको 10% में बेच दिया, फिर इसका 10%, इसका 10% मतलब 110% निकालेंगे, बेचेगा तो 1200 का 110% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना हो जाएगा 13 10 में क्या करता है वो बेच देता है, 13 20 हो जाएगा। ठीक है, 13 20 में क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, अब क्या बोला गया, अगर वो 1380 रुपए में बेचता, इतना में ना बेचकर वो 1380 में बेचता तो लाभ कितना परसेंट अधिक होता। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी 1200 से अगर 1380 में बेचता तो कितना परसेंट लाभ होता, तो 1380 में 1200 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा,
180 रुपये लाभ होता। परसेंट कितना होगा, 180/1200 गुना 100, इसी तरह निकालते हैं लाभ परसेंट। तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल, 12 से कितना हो जाएगा, 12 1 12 1 जा, यानी कि 15% क्या होगा लाभ होगा जब ये 1380 रुपये में बेचता। पहले कितना हुआ था 10%, यहाँ तक हुआ, देखिए यहाँ तक लाभ हुआ 10% और यहाँ से यहाँ तक लाभ हुआ 15%। तो कितना परसेंट लाभ बढ़ गया, तो यहाँ देखिए कितना परसेंट बढ़ गया, 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5%, ऑप्शन होगा 5% लाभ क्या होगा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए ये एक बहुलक से क्वेश्चन है, मैंने कहा कि आप वीडियो जाके वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने माध्य माध्यिका बहुलक और रेंज ये सब जितना भी आता है रेलवे में वो मैंने बताया है, तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिए। बहुलक क्या होता है, देखिए पूछा गया 72 74 75 76 75 74 73 75 फिर 73 71 और 77 इतना है, इतना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। इसका कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। ऑप्शन है 73, दूसरा है 74, तीसरा है 75, चौथा है 72। तो बहुलक क्या होते हैं समझिए, बहुलक से ही इसमें वर्ड से अच्छी बात, जो बहुत बार आए वो होता है बहुलक, जो नंबर बहुत बार आए सबसे ज़्यादा बार। तो यहाँ देखिए 72 एक बार आया और नहीं आया, ठीक है 74 एक बार आया, दो बार आया 74, 74 आया दो बार, फिर ठीक है 75 कितना बार आया, 75 आया 1 2 3 75 तीन बार आया, 76 74 हो गया 75 हो गया, 76 देखिए 76 जो एक बार आया 75 तो गिन लिए 73, यानी कि यहाँ पे देखिए आप देखिएगा तो 75 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है तीन बार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 75 होगा, जो सबसे अधिक बार आया वो आंसर होगा बहुलक वो होता है, तो 75 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या का, ये जो भी हो लिखा है दो संख्या का एचसीएफ, दो संख्या के जो एचसीएफ है महत्तम समावर्तक और एलसीएम कितना है, एचसीएफ है 7 और एलसीएम है 252। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा संख्या कितना होगा, और दोनों संख्या का क्या कह दिया है एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक दिया है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि दो संख्या का जब एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर का यानी कि एक संख्या और दूसरे संख्या का क्या आता है मल्टीप्लाई ही आता है, यानी कि दो संख्या समझ लीजिए, दो संख्या है दोनों का एचसीएफ जो भी हो जैसे यहाँ 7 है और एलसीएम जो भी हो कितना है 252, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जो संख्या है दोनों का वो मल्टीप्लाई आएगा, अगर एक संख्या है 28 और दूसरा नहीं दिया मान लेते x है तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एक का दोनों का एचसीएफ जो है और दोनों का एलसीएम जो है यानी कि 7 और 252 के इक्वल होगा, तो ये होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 × 252/28, 7 से 4 times और 4 से कितना हो जाएगा 6 6 के 24 13 63 होगा, ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं लेकिन 63 आंसर इसका होगा। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या लिखा है,
देखिए क्या लिखा, पी की लंबाई 5 फीट है, कोई एक पी है उसका लंबाई कितना है 5 फीट, ये लेंथ है 5 फीट, ठीक है। और उसने क्या ध्यान, उसने ध्यान दिया कि उसकी जो परछाई, इसकी जो परछाई बन रही है वो है 7 फीट, ठीक है, वो है 7 फीट, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि उसके बाद उसके उसने मापा कि एक स्कूल की इमारत, फिर उसने क्या लिखा कि एक स्कूल की कोई इमारत है जो कि जिसका जो है परछाई वो 42 फीट बनाता है, तो स्कूल की इमारत कितनी लंबी है ये पूछा गया। समझिए क्या बोला गया कि कोई पी है, मान लेते कोई लड़का है, पी नाम है उसका, उसका जो लेंथ है लड़का का वो है 5 फीट, और उसका जो उसने ना देखा कि उसका परछाई कितना बना है 7 फीट, ठीक है। फिर उसने क्या देखा कि एक स्कूल है, ठीक है, मान कोई इमारत है, ये इमारत है, उसका जो परछाई बना था 42 बन रहा था, तो उस इमारत का लंबाई कितना होगा ये बोला गया। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए इस लड़के का हम लंबाई लेंगे डिवाइड इस स्कूल सॉरी इमारत का लंबाई लेंगे यानी कि एक्स स्कूल लिए, फिर लड़का का कितना परछाई बन रहा था वो लेंगे 7, फिर इसका परछाई कितना बन रहा है वो लेंगे 42, 7 से कितना टाइम हो सकता है 6 टाइम, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30 आंसर होगा इसका, ठीक है, 30 फीट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख देता है, मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं ये वस्तु है, दुकानदार क्या करता है इसका जो प्राइस है 160 रुपये अंकित कर देता है, मार्क कितना कर देता है 160 रुपये, तो अंकित को हमेशा हम पॉइंट से दिखाएंगे, मतलब ये पॉइंटेड कर दिए, मार्क कर दिए अंकित मूल्य। फिर बोला गया यदि 10% छूट देने पर, अगर इसमें हम 10% छूट दें, दुकानदार क्या किया 10% छूट दिया, देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, मतलब कि 10% पहले इसमें छूट दीजिए कितना में बेचेगा, तो 10% छूट देंगे तो यानी कि 90% में बेचेगा, 90/100 यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 144 में बेचेगा, 160 फिक्स्ड किया था उस पर 10% छूट दिया जो कि आया 144, उतना में बेच रहा है, तो उतना में बेचने पर क्या होता है उसके अंकित मूल्य से 10% का लाभ होता है, ये जो है इतना में अगर बेचेगा तो 10% का क्या है लाभ है, लाभ हो रहा है, यानी कि ये क्या है 144 10% लाभ, यानी कि 110 में बेचा है, 100 रुपया होता है हमेशा क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो 100 से 10% अधिक में बेचेंगे तभी तो 10% लाभ होगा ना, 100 CP है, अगर 110 में हम बेचेंगे 110% में तो 10% का क्या है डिफरेंस है, 10% लाभ होगा, तो वही बोला गया 144 में बेचा तो यानी कितना में बेचा 110% में बेचा 110 में, तो 100 निकालना है हमको, CP निकालना है, CP कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है, ऑप्शन है 140, दूसरा 120, तीसरा 150 रुपये, चौथा 132 रुपये, मतलब कि ये क्या CP दिया, ठीक है, कौन इसमें सही होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कट करेंगे ये हो जाएगा 11 जा बचेगा कितना, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये यहाँ देखिए 10% ये सॉरी ये 20% है, छूट जो है छूट 10% था और लाभ जो होता है वो 20% होता है, ठीक है, ये जो है 20% होता है लाभ, तो ये देखिए 100 CP है 100% CP है, तो लाभ 120% में बेचेगा तो क्या होगा लाभ होगा, यानी कि 144 जो है वो 120% है, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, 12 से करेंगे 12 1 जब 12 हो जाएगा बचेगा 2 12 2 जब, यानी कि 120 जो है वो उसका CP होगा, उतना में वो खरीदा होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी क्वेश्चंस बताया मैंने वो सारा ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसके बाद मैं सारा शिफ्ट का क्वेश्चंस बता दूंगा जो जो भी NTPC में पूछा गया है,
तो बस आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए। साथ में इसको जितना भी है इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें जो भी NTPC का एग्ज़ाम देने वाला है ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।